不会，你这些不会。那我怎么知道其实得调哪个？不会，不会，要调的。Thank you, thank you. What is this? Is this? यहाँ आपके एकदम सामने ना काफी ना आपके सामने ना मिल मिल लोग की सामने back to baking guts yes ठीक है काफी यहाँ पे बैंगलोर में बैंगलोर का बैंगलोर में बैंगलोर में बैंगलोर में काफी सेंटर सेंटर में काफी ये सेंटर देखो सबसे पहले साइड तो देखा ही नहीं है चलो इसको एक फोटो चाहिए आपके चलो हमारे साथ में कर लेते हैं भूमि जी के हेलो ये दोनों और हम दोनों चलिए मैं लास्ट यस मैम आ जाओ आप और एक काम चालू जी यहाँ पे मैम या वो तो भी है ये मैम यहाँ पे हमारी बंदूक के यहाँ पे यहाँ पे क्या बंदूक नहीं बोली बंदूक तो पिक्चर में दिखाई दी है मैम यहाँ पे मैम सेंटर सेंटर है भूमि जी थैंक यू मैम आपके साथ हो रही है हमारे डायरेक्टर जो हमारे स्काई के साथ लैंड हो रहे हैं आज बीच में आओ सर आपके बगैर हम कहाँ चलो या सेंटर या अच्छा तो काय छपने वाला है नहीं लगा क्यों अरे दो दो ये बेस्ट हम मेक शो करेंगे नाउ डू दिस हम जहां जा रहे हैं नंबर बोलना हां बोल दो क्या पर यहां पे राइट साइड में मैम ये सेंटर 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 ये सेंटर देखो तो ना बाकी वाले पब्लिश नहीं करेंगे मेरी पिक्चर साइड में देख लो थैंक यू भूमि इनको एक पिक्चर चाहिए आपके साथ ये आतिश चला ले आतिश यस ऑफर की बात मत करो यार अभी की बात करते हैं मतलब फिल्म रिलीज के अराउंड हमारी फिल्म जैसे एक तुषार ने एक मुझे फोटो भेजी थी हमारी ये फिल्म जो है वो टॉर्टोइज है जो सब रैबिट्स के साइड साइड से धीरे 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 करके अभी भी है थिएटर में जिस टाइम स्टार्ट हुई थी उस टाइम हम मुझे नहीं लगता हम लोगों को लगा था कि इतनी देर हम इस तरीके से टिक पाएंगे जिस तरीके से हमने बिगिन किया था बट आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ जितना प्यार इस फिल्म के से मिला है ना अब आज तक मतलब कहीं बाहर जाते हैं तो ऑल द एल्डरली पीपल स्पेशली वो पकड़ पकड़ के जो उन्होंने गले लगाया हम लोगों को बच्चे बच्चों को मतलब हम जहाँ भी जाते हैं आई थिंक सांड किया कि एक ऐसी फिल्म है जिसने इतना प्यार इतना रिस्पेक्ट और पता हम तो हमारी फिल्म सेलिब्रेट करेंगे लेकिन हमारे साथ पूरी इतने लोगों ने फिल्म सेलिब्रेट की है अब तक जब हम जैसे तापसी ने कहा जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं लोग एक्चुअली आके रोक के हमें हमसे सांड की आग के बारे में बात करते हैं और ये हम दोनों के लिए इतनी स्पेशल फिल्म है लिटरली हमारा इट्स लाइक अ चाइल्ड टू अस तो वी गेट वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड और आई थिंक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि तीसरे हफ्ते में फिल्म अभी भी है चौथे सॉरी का टाइम अभी हुई चार पांच पिक्चर भी रिलीज करनी है उसलिए नहीं चौथी चौथा नहीं आई स्टॉप इट चौथे हफ्ते में फिल्म है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डील मेरे साथ कभी नहीं हुआ है कि मेरी कोई फिल्म चार हफ्ते थिएटर में हो
और मतलब मैं तो इतनी इमोशनल हूँ इस फिल्म को लेके। मैं तो एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि मतलब द वे आई हैव बीन, मुझे मेरा फोन हर रोज, मैं हमेशा मेरी वाइफ जो मेरी प्रोड्यूसर दीदी को बोलता हूँ, हर रात को एक मैसेज आता है और हर सुबह एक मैसेज आता है कि क्या पिक्चर है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग, आई एम सो हैप्पी दैट दीज गर्ल्स हैड द गट्स टू डू दिस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये दो लड़कियाँ थी जिन्होंने पिक्चर बनाया, कोई नहीं करना चाहता था और इन्होंने की, और आई एम हैप्पी दैट दे आर हैप्पी दैट जैसे भी है पिक्चर ने जो भी किया है जो भी धंधा कर रहा है दैट इज साइड असाइड पर दे आर हैप्पी दैट दे वर पार्ट ऑफ दिस फिल्म दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। हैप्पी यू कांट गेट हैप्पियर देन दिस। तुषार एक से आप प्लीज आप हमसे पूछो, वो बहुत अंडर प्ले करते हैं, हैप्पी नहीं एक सेलिब्रेशन, मतलब हम इस फिल्म के बारे में बात करना बंद ही नहीं कर पा रहे बिकॉज दुनिया बात करना बंद नहीं कर पा रही। मुझे एक स्पेशल प्यार होता है ना, वो जो गले लग के थैंक यू वाली प्यार होता है ना, वो मिला है, वो भी स्पेशली एल्डरली से, जो कि काफ़ी हम पिक्चरें करते हैं जो यंगस्टर्स को पसंद आती हैं, जो वो लगते हैं, पर जब स्पेशली उन लोग वो लोग आके गले लगाते हैं ना कि मतलब ये कितने मैसेज इसलिए आए कि मेरी मदर ने इतने सालों बाद कोई पिक्चर देखी है, और इतने सालों बाद काफ़ी लोगों के पेरेंट्स ने स्पेशली बोला है कि ये पिक्चर की टिकट बुक कराओ, हम देखना चाहते हैं। तो इस तरह के जो मैसेजेस थे वो मेरे लिए भी पहली बार थे। मैंने इससे पहले भी बहुत पिक्चरें करी हैं जिसमें लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है, बट ये वाला जो प्यार था ना कि माँ बाप बोल रहे हैं कि टिकट बुक करो, ये पिक्चर देखते हैं, तो वो पहली बार हो रहा है, तो वो बहुत स्पेशल। कमेंट्स में कुछ पढ़ रहा था तो उसमें से दिख रहे थे कि बहुत दिनों बाद थिएटर में सीटियां बजी है। हाँ। और काफी सीटियां बजी है। वो मुझे पूछी है, मेरे खाने वो। हाँ, वो तो मेरा आइडिया था बिल्कुल। हाँ यार, हमने हमेशा लाइक हम हमेशा डिस्कस करते थे कि कमर्शियल पिक्चर बनाएंगे, मजे करेंगे, बट या बहुत बस्ती है विच इज आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट हम जाके थिएटर में खुद देख के जब वो ताली बजा रहे थे हमारे आंसू गिर रहे थे कि यार लोग सीटियाँ, हमारे आंसू गिर रहे थे जब हम थिएटर में गए थे देखने, ऑडियंस का रिएक्शन विच इज ग्रेट। विच हमने एक एक्चुअली वी वेंट फॉर अ शो एंड वी सॉ अ मैन विच आई थिंक वॉज 89 or 90 ईयर्स ओल्ड, ही केम विद अ ड्रिप टू सी द फिल्म, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट इन माय लाइफ। एंड एक दो लोग जो आके पिक्चर के बाद लाके बोलते हैं कि यू नो आई एम वाज 60 एंड आई गिवन अप ऑन लाइफ एंड मैं वापस से अपना लाइफ चालू करना चाहता, दैट वाज द फिल्म, दैट वाज व्हाट वी वांटेड टू डू। क्या 60 साल पे आदमी का लाइफ डजंट एंड इट कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, तो ये बहुत अच्छा है जो भी है हमारे लिए। आई एम हैप्पी दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक द फिल्म फॉर एंड आई एम गेटिंग दैट। एज अ एक्टर आपको किस तरह से लगा जो सीटियां बजी, क्योंकि कहते हैं कि सेलिब्रिटी के लाइफ में अगर उनकी फिल्म पे सीटियां बज गई, ऑडियंस पे सीटियां बजी, तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत, आई डोंट थिंक मेरे साथ तो नहीं हुआ है यार इससे पहले। मेरे लिए आई थिंक बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ही सान की आग के साथ हुए, क्योंकि हम दोनों दो दादियों के ऊपर बज रही है, उन्होंने जो बड़ा काम किया उसके ऊपर बज रही है। तो मतलब मेरे लिए जब भी मैं सांड की आग के बारे में सोचती हूँ आई गेट ओवरवेल्म्ड। जैसे मैंने आपको कहा मेरा एक अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड है, मेरी नाल अटैच्ड है सांड की आग के साथ, तो बहुत ही इतना फीलिंग ऑफ प्राइड है और जस्ट वी आर जस्ट प्राउड ऑफ द फिल्म, लाइक इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। आई थिंक जब टी वी पे आएगी आगे जाके, जब और भी इतना ज़्यादा मुझे तब मैं रेडी होंगी एक तरह के री रिलीज के लिए पिक्चर के, क्योंकि उसके बाद भी जो प्यार मिलेगा वो आई थिंक वो अलग लेवल का ही होने वाला है। ये स्पेशली जो ब्लेसिंग्स मिली है ना इस पिक्चर से, वो हमारे को इस पिक्चर के आगे भी काम आने वाली है। ब्लेसिंग्स की बात करें तो कोई एक कॉम्प्लीमेंट जो सबसे दिल के करीब हो, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया होगा, एक कैसे एक मुश्किल है स्पेशल हो, मैं बता सकता हूं। तो मैं जब स्कूल में था मेरा प्रिंसिपल बोलता था कि तुषार हिरण्यनानी इज द वर्स्ट स्टूडेंट, ही कैन नॉट, ही डजंट डिजर्व टू बी इन द स्कूल। और आज मेरा, आज जब मैंने देखा है कि मेरे ये पिक्चर बनाने के बाद मेरे स्कूल के जो फेमस लोगों के नाम में मेरा नाम जुड़ा गया है इस पिक्चर, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो मेरे सब फ्रेंड्स बोलते हैं आज मेरा प्रिंसिपल अपने ग्रेव में टर्न मार रहा होगा, कुलाटी मार रहा होगा क्या यार तूने कर दिया ये, मतलब इट इज एंड इट्स ग्रेट। ये पिक्चर वी आई ऑल्सो आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस इमेजिन, वी जस्ट वेंट आउट, हमने खाली पिक्चर मजे लिए और पूरा यूनिट जो हमारा था विच वॉज ग्रेट, हमने खाली मजे लेके पिक्चर बनाया, कुछ टेंशन नहीं था हमको, कुछ हमने कुछ सोचा नहीं, 40 डेज हम बाहर थे और हमने पिक्चर बनाया, बस हमको बहुत मजा आया। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो यार मुझे बहुत सारे थे, एक शायद थोड़ा सा याद आता क्योंकि उसमें आंखों में आंसू आ गए थे, एक ओल्ड लेडी थे, एक कपल था जो आया था अपनी फैमिली के साथ देखने, जिसमें से अंकल जो थे वो ड्रिप पे थे और उनकी जो वाइफ थी वो आई मेरे पास पिक्चर खत्म होने के बाद, और वो गले लग के फिर मेरे को उन्होंने बोला कि तुम्हारी माँ ने क्या खा के पैदा किया तुम लोग को। सो आई थिंक वो जिस तरीके से उनकी आंख में आंसू थे वो मुझसे ये बोल रही थी, तो वो
वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल कॉम्प्लीमेंट था जी. आई थिंक मेरे लिए जब हम शबाना मैम ने फिल्म देखी आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही हाई पॉइंट था एज अ एक्टर इन माई करियर बिकॉज यू नो शी इज़ एन वो इतना मतलब शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन आर कंट्री और फिल्म से निकल के उन्होंने मुझे और तापसी को इतना प्यार दिया और वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज लिटरली वो फर्स्ट ऑडियंस थी हमारी जिन्होंने फिल्म देखी थी फर्स्ट स्क्रीनिंग के लिए आई थी वो एंड आई थिंक उनका रिएक्शन इज बाई फार द best thing I've felt in my career so far. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Oh, hello.